भीलवाड़ा के माडलगढ़ से अब खबर है। बनास नदी में बाइक से दो महिलाएं और एक युवक बह गया है। बनास नदी की पुलिया पार करते समय हादसा हुआ। बाइक पर मां, मौसी और बेटा सवार था। ग्रामीणों ने मौसी को बचा लिया। मां और बेटा पानी में बह गया। बिगोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू। देखिए, मां और बेटा पानी में बह गया, मौसी भी थी, मौसी को बचा लिया गया है। ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ से बचाया गया तीन लोग में से एक, जो कि रिश्ते में मौसी बताई जा रही है, लेकिन मां और बेटा जो कि बताया जा रहा है कि बह गए बहाव में, उनका अब तक सुराग नहीं लगा। इसी वजह से आज फिर रेस्क्यू शुरू होगा। माना जा रहा है कि रेस्क्यू अंधेरे के चलते रोका गया, देर रात तक तलाशी भी की गई इनकी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रेस्क्यू रोका गया था, लेकिन आज फिर रेस्क्यू शुरू होगा। अब क्योंकि बहाव बहुत तेज है, प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां चरम पर रही, जिस वजह से नदी तालाबों में जल स्तर बढ़ गया और ऐसे में ये पता लगाना भी मुश्किल हुआ कि कितना गहरा नदी का पानी हुआ है। ये देखिएगा तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की भी है, जब ग्रामीणों का जमावड़ा लगा। सहयोगी दिनेश मांडलगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, इस पूरी घटना को लेकर पहले तो जानकारी दीजिएगा, आखिर क्या हुआ था जो माँ और बेटा बह गए, मौसी को बचाया गया और रेस्क्यू अभियान कितने घंटे तक चला, क्योंकि आज एक बार फिर से शुरू करने की उम्मीद। शिखा, मैं आपको बता दूं कि ये माँ, बेटी और मौसी तीनों नंदराय गांव के पास एक झोपड़िया गांव के निवासी है और वहां से अपने रिश्तेदार के यहाँ खटवाड़ा गए हुए थे और खटवाड़ा से दिन में ये लगभग 12-12.5 बजे वहां से निकले और उस बीच में बनास नदी बहती है खटवाड़ा और बिगोट के बीच में, उस पे लगभग पुलिया पर 2 फीट पानी चल रहा था और ऐसे में ये तीनों बाइक पर बैठ करके निकल रहे थे, तभी बहाव आने से वो बाइक फिसली और ये तीनों लोग नदी में गिर गए। नदी में गिरने के बाद जो वहां कुछ लोग नहा रहे थे पहले से, उन्होंने मौसी को बचा लिया और बाइक सहित अभी माँ और बेटे का पता नहीं चल पाया। इसके बाद रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ की टीम मौके पे आई, पुलिस मौके पे आई, ग्रामीणों का वहां जमावड़ा लग गया। लगभग 7-8 घंटे रेस्क्यू किया गया, परंतु रात को अंधेरा हो जाने से रेस्क्यू को रोका गया और आज सवेरे सूर्य उदय होते ही फिर से रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी तक माँ और बेटे का पता नहीं लग पाया है। दिनेश, इस पूरी दुर्घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि एक बड़ा एक लापरवाही का जो घिनौना कृत्य हुआ है, क्योंकि जो जब पानी उस पर 2 फीट पानी आ रहा था तो ऐसे में बाइक सवार को अपनी बाइक को जान जोखिम में डाल करके पानी में नहीं डालना चाहिए था और वहां लगातार पानी आने से जो फिसलन भी उस सड़क पर हो रही है, ताकि वो जब बाइक का जब ब्रेक लगाते हैं तो वो बाइक अपने आप में फिसलती है और बहाव के साथ वो नदी में बहती है और ये नदी लगभग एक जीवन रेखा वाली नदी है जिसमें इस बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।